नमस्कार, संचार क्रांति की टीम इस समारोह तक में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी मंजीत राणा। तो मंजीत राणा जी, आपका स्वागत है संचार क्रांति के खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो मैं संचार क्रांति का और आपका धन्यवाद करता हूँ जो मुझे आपने ये मौका दिया। जी, थैंक यू। तो मंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो राजनीति में आए हैं, आप वार्ड नंबर 21 से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? मेरा उद्देश्य जी लोगों की सेवा करना है जी, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। बिल्कुल। तो इससे पहले भी आपने जैसे सामाजिक कार्य किए हैं? हाँ जी, बहुत सारे किए हैं जी। मेरे वार्ड में कुछ पानी की समस्या थी जी, सीवर ब्लॉकेज थे और कुछ बिजली की समस्या थी, तो बहुत से काम करवाए हैं, करवाते रहते हैं ये तो। बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं भी संचार क्रांति का स्वागत आभार प्रकट करता हूँ। तो देवेंद्र जी, आपने तो जैसे वार्ड नंबर 21 में घूमा है, आप तो मतदाताओं से मिले हैं, तो क्या लगता है आपको मंजीत के अंदर वो योग्यता है मतदाताओं को ऐसा गर्व महसूस हो वोट डाल करके, हाँ भाई हमने अच्छे व्यक्ति तक धनी के व्यक्ति को वोट डाली है जी? मंजीत जी के अंदर हमारे वार्ड वासियों को बिल्कुल योग्यता दिख रही है, क्योंकि ये भाई ना तो कभी किसी में जात पात का फर्क करते हैं, सबको एक समान देखते हैं। बिल्कुल। और मतलब महिला वर्ग को भी आगे रख के चलते हैं, कोई द्वेष नहीं है इनके प्रति। ये छोटे बच्चे से लेके और बड़े बुजुर्ग, छोटों के लिए इनके मन में प्यार है और बड़ों के लिए आदर है, और वही आदर और प्यार उनके मन में भी इनके प्रति है। और लोगों की समस्या अगर एक बार वो थोड़ा सा जिक्र भी कर देते हैं बताए, तो भाई साहब तुरंत बिल्कुल बिना समय गवाए वहां उनकी समस्या का निवारण करने चले जाते हैं तुरंत। तो मंजीत जी, क्या आप संदेश देना चाहोगे मतदाताओं को, भाई उनको लगे कि हाँ आपको अनुभव और योग्यता है, इस पात्र हैं आप, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 21 के मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि वोट उनका अधिकार है और अपनी वोट एक अच्छे कैंडिडेट को दें। बिल्कुल। जो जातिवाद में विश्वास ना रखता हो जी, जो उनकी सेवा में तत्पर खड़ा हो। बिल्कुल। ऐसे कैंडिडेट को चुने, ना कि ऐसे कैंडिडेट को जो जातिवाद का जहर अपने समाज में घोड़ रहा हो। बिल्कुल। तो मंजीत जी का साफ रूप से यही कहना है भाई, मतदाताओं को ये बिल्कुल परख करनी चाहिए कि क्या वाकई में जो प्रत्याशी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 21 से, तो उनको ये देखना चाहिए भाई कोई जातिवाद का जहर तो नहीं फैला रहा, क्या 36 बरादरी को साथ में लेकर के चलने की जो प्रत्याशी बात करता है उसी को देख करके वोट दे। और जो हमेशा से सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, हमेशा से दिन रात किसी भी समय हमेशा सामाजिक कल्याण में तत्पर रहते हैं, उन्हीं को देख करके ही वोट डालें। तो संचार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी शख्सियत से मुलाकात करवाती रहेगी। संचार क्रांति के लिए रोहतक से कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ मैं अजय भारद्वाज।